ओके, वेलकम बैक क्लास। क्वेश्चन नंबर 9 से हम कंटिन्यू करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 8 तक हमने कर लिया था, क्वेश्चन नंबर 9 से हम कंटिन्यू करेंगे। ओके, द क्वेश्चन इज, अमन बॉट अ बकेट हुज कैपेसिटी इज 50 लीटर। अमन है एक बच्चा, उसने एक बकेट खरीदी है जिसकी कैपेसिटी क्या है, 50 लीटर। ठीक है, अब उसने क्या किया, पहले 10 लीटर वाटर डाला, फिर 13 लीटर लाइम जूस मतलब नींबू का रस, और फिर उसके बाद उसने डाला 23 लीटर ऑफ शुगर सॉल्यूशन। 23 लीटर शुगर सॉल्यूशन डाला उसने, ठीक है, मतलब मीठा करने के लिए उसको। ठीक है, वॉट कैपेसिटी ऑफ द बकेट हैड ही यूज्ड अप। अब इसमें पूछा है, उसने ये तीन चीजें डाल दी, अब 50 लीटर की बाल्टी में उसने ये तीन चीजें डाल दी हैं, अब उसने कितनी भर ली है वो बाल्टी। तो देखिए, सिंपल सा सॉल्यूशन है, कुछ भी नहीं करना है, तीनों को ऐड कर दिया है, दिस प्लस दिस प्लस दिस, तीनों को ऐड किया 46 लीटर। 50 लीटर में से 46 लीटर उसने अपनी जो बकेट है उसको भर लिया है। क्लियर, क्वेश्चन नंबर 9 बस इतना ही था, कुछ भी नहीं था इसमें। ऐड कर दिया सिंपली। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे अब हम। द वेट ऑफ अ मेडिसिन इज 25 मिलीग्राम। वेट ऑफ अ मेडिसिन इज 25 मिलीग्राम। 25 मिलीग्राम एक मेडिसिन का वेट है, वजन है। ठीक है, फाइंड द वेट ऑफ द बॉक्स कंटेनिंग 20,000 सच मेडिसिन इन ग्राम। फाइंड द वेट ऑफ बॉक्स इन ऑल्सो इन केजी। अब देखो, 25 मिलीग्राम की एक टैबलेट है, अब हमें 20,000 टैबलेट्स का वजन पता करना है। इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 20,000 इंटू 25, तो कितना हो गया, 5 लाख मिलीग्राम। वजन कितना हो गया हमारे पास, टोटल मेडिसिन वेट, टोटल मेडिसिन वेट कितना हो गया, 20,000 इंटू 25, तो 5 लाख मिलीग्राम। ये हमारा हो गया मेडिसिन का वेट, किसमें, मिलीग्राम्स में। अब हमें पहले तो फाइंड करना है ग्राम्स में, 1 मिलीग्राम इज इक्वल्स टू 1/1000 ग्राम। 1 मिलीग्राम इज इक्वल्स टू 1/1000 ग्राम होता है, तो 5 लाख मिलीग्राम कितना हो गया, दोनों साइड 5 लाख मल्टीप्लाई किया अपॉन 1000, तो कितना बना, 30 से 30 कट हो जाएंगी, 500 ग्राम, 500 ग्राम, ये एक आंसर हो गया। दो आंसर पूछे ना इसमें, कि ग्राम में ही बताना है, किलोग्राम में ही बताना है। अब 1 ग्राम इज इक्वल्स टू, हाँ, 1 ग्राम इज इक्वल्स टू 1/1000 किलोग्राम। ठीक है, तो 500 ग्राम इज इक्वल्स टू 500/1000 किलोग्राम, राइट। आप देखेंगे, 20 से 20 कैंसिल, 10 बच रहा है, तो 0.5। कैसे लिखेंगे इसको, 0 को ऊपर लेके जाएंगे, उतने ही डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे, 0.5 kg, आधा किलो, आधा किलो ऐसे लिखते ना, ये 500 ग्राम मीन्स हाफ के जी, आधा किलो। ठीक है, अगर ये आपको वैसे ही पता है तो आप 0.5 kg डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज द आंसर, क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व।
अब हम देखेंगे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। ये क्वेश्चन समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर 11। अ फैक्ट्री प्रोड्यूस्ड 36,420 बल्ब्स इन द मंथ ऑफ जनवरी। एक फैक्ट्री है जो क्या प्रोड्यूस करती है? बल्ब्स प्रोड्यूस करती है, ठीक है। अब देखिए जनवरी में उन्होंने कितना प्रोडक्शन किया? 36,420 बल्ब्स, ठीक है। फरवरी में उन्होंने कितना प्रोड्यूस किया? 48,576। मार्च में उन्होंने कितना प्रोडक्शन किया? 53,675। जनवरी में 36,420, फरवरी में 48,576, मार्च में 53,675 बल्ब प्रोड्यूस किए। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बल्ब प्रोड्यूस बाय द फैक्ट्री इन दीज थ्री मंथ। इन तीन महीनों में उन्होंने टोटल कितना प्रोड्यूस किया है आपको ये बताना है। तो इन तीनों को क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। 36,420 + 48,576 + 53,675, ठीक है। इन तीनों का एडिशन करने पर हमारे पास क्या आंसर आएगा? 1,38,671। टोटल बल्ब कितने प्रोड्यूस हुए? 1,38,671, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। द टोटल पॉल्यूशन पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी इज 28,000। देखिए टोटल पॉपुलेशन कितनी है? 28,73,468। इसमें से मेल्स मतलब आदमी कितने हैं? 1,643,728। और फीमेल कितने हैं? 1,043,726। अब देखिए टोटल पॉपुलेशन हमारी ये, उसमें से आदमी कितने हैं? इतने। और लेडीज कितनी है? इतनी। अब इसमें क्वेश्चन में पूछा है कि अगर टोटल पॉपुलेशन ये है, इतने नंबर ऑफ मेल्स हैं और इतने नंबर ऑफ फीमेल्स हैं, तो फाइंड द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द सिटी। चिल्ड्रन का नंबर फाइंड करना है। तो देखिए मेल इतने हैं, फीमेल इतनी, इन दोनों को प्लस कर देंगे और फिर टोटल पॉपुलेशन में से माइनस कर देंगे, तभी हमें पता चल जाएगा कि बचे हुए क्या हैं और बचे हुए चीजें क्या, बचे हुए ह्यूमंस क्या हैं? चिल्ड्रन है। तो टोटल पॉपुलेशन में से टोटल पॉपुलेशन माइनस मेल्स प्लस फीमेल्स, पहले मेल और फीमेल को ऐड कर लेंगे फिर टोटल पॉपुलेशन में से माइनस कर देंगे। तो देखिए 28,73,468 - 1,643,728 + 1,043,726, इन दोनों को ऐड करेंगे फिर इसमें से
माइनस कर देंगे, तो मेल प्लस फीमेल कितना हुआ हमारा 268 7454। ठीक है, इन दोनों को प्लस करने पर क्या आया 268 7454। और फिर इसमें से इसको माइनस करेंगे तब हमारे पास टोटल पॉपुलेशन में से माइनस कर देंगे हम इस वैल्यू को, और हमारे पास आ जाएगी चिल्ड्रन की वैल्यू 1,86,014। ये हमारी आ गई नंबर ऑफ चिल्ड्रन, ये आ गया। ठीक है, सो दिस इज हाउ क्वेश्चन नंबर 12 इज सॉल्व। Now let's go to the next question. Question number 13. Question number 13 देखिए, Tina had 50,000 rupees. टीना के पास कितने रुपए हैं? 50,000 रुपए। उसमें उसने 35 रेडियो सेट्स ऑर्डर किए हैं। ईच रेडियो सेट की कीमत कितनी है? 1,300 रुपीज। हर एक रेडियो सेट की कीमत कितनी है? 1,300 रुपए। अब उसने कितने रेडियो ऑर्डर किए हैं? 35। तो 35 रेडियोस की कीमत कितनी हो गई? 35 × 1,300 रुपीज, और ये कितना होता है? 45,500। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा? 45,500 रुपीज। मतलब उसने कितना खर्च कर दिया? 50,000 तो उसके पास टोटल थे, टोटल अमाउंट कितना था उसके पास? 50,000 रुपीज। उसमें से उसने जो रेडियो सेट्स खरीदे उनकी कीमत क्या है? 45,500 रुपीज। अब आपको बताना ये है कि उसके पास बचा क्या है। तो बचा हुआ अमाउंट कैसे निकालेंगे हम? अमाउंट लेफ्ट इज इक्वल्स टू 50,000 माइनस 45,500। ठीक है, इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो कितना बचा? 4,500 रुपीज। फाइनल उसके पास क्या बचा? 4,500 रुपीज उसके पास बच गए हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 13। If you guys are doing your homework and feeling any kind of difficulty in the view, अगर आपको देखने में blurry दिख रहा है थोड़ा बहुत, तो आप क्या करेंगे? अपने settings में जा करके, YouTube में settings में जा करके, जो pixels की quality है वो ऐसे आ रही होगी 144, 240 या 260, 360, 720, फिर 1080 इस तरह से आ रही होगी। ठीक है, तो आप ये या ये सेलेक्ट करके फिर वीडियो देखें। ठीक है, यहाँ पर ना वीडियो आपको ब्लरी ब्लरी दिखेगी, तो आप क्या करें, ये वाला पार्ट सेलेक्ट करें, या तो ये या ये, ये वाला कर लें, इससे डेटा भी ज़्यादा खत्म नहीं होगा और आप पूरी वीडियोस अच्छे से देख पाएंगे जितनी भी वीडियोस अपलोड होंगी। तो इसको करने के बाद आपको जो विजन है वो क्लियर हो जाएगा, धुंधलापन नहीं रहेगा। ध्यान रखें सेटिंग्स में जा करके, यूट्यूब की सेटिंग्स में जा करके, ठीक है, इसको सेट कर लें 360 और 720, जो आपको बेहतर लगे, जिसमें आपको देखने में आसानी हो। लेकिन आप 720 यूज करेंगे तो डेटा बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा और हो सकता है आप पूरी वीडियोस ना देख पाए, तो 360 सेलेक्ट कर लें। क्लियर,
ओके क्वेश्चन नंबर 13 फिल इन द ब्लैंक. ए 4 किलोमीटर इज इक्वल्स टू हाउ मेनी मीटर. आपको आंसर ये बताना है 4 किलोमीटर कितना होता है. 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर. तो 4 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 4000 मीटर. तो यहां आ जाएगा हमारा आंसर 4000. ठीक है. अब सेकंड देखिए. सेकंड है 10 mm इज इक्वल्स टू हाउ मेनी मीटर. 1 mm इज इक्वल्स टू हाउ मेनी मीटर. सॉरी 10 mm इज इक्वल्स टू हाउ मेनी मीटर. तो देखिए 1 mm इज इक्वल्स टू 1/1000 मीटर. ठीक है. तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड. कितना हुआ 0 से 0 कैंसिल उसके बाद 0.01 मीटर. आंसर क्या गया 0.01 मीटर. ओके हमें क्वेश्चन में क्या पूछा था 10 mm इज इक्वल्स टू हाउ मेनी सेंटीमीटर्स. ठीक है. अच्छा ओके सॉरी मैंने मीटर में कन्वर्ट कर दिया. हमें एक्चुअली सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है यहां सेंटीमीटर क्वेश्चन में. ठीक है. लेट्स सॉल्व इट फर्दर. 1 mm इज इक्वल्स टू 1/1000 मीटर होता है. 1 meter इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर. ठीक है. अब देखिए 1/1000 मीटर कितना हो जाएगा. इसमें भी 1/1000 मल्टीप्लाई कर देंगे. दोनों साइड 1/1000 मल्टीप्लाई कर दिया. अब देखिए 1/1000 मीटर इज इक्वल्स टू 100/1000 सेंटीमीटर. 0 से 0 कैंसिल 0.1 सेंटीमीटर. तो 1 mm क्या हो गया 0.1 सेंटीमीटर. ठीक है. 1 mm इज इक्वल्स टू यहां पर लिख रही हूं मैं 0.1 सेंटीमीटर. तो 10 mm इज इक्वल्स टू 0.1 × 10 सेंटीमीटर. कितना हो गया 1 सेंटीमीटर. 10 mm इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर. आप देखिए सी 2 gram इज इक्वल टू हाउ मेनी ग्राम. हाउ मेनी किलोग्राम. 1 gram इज इक्वल टू 1/1000 किलोग्राम. ठीक है. तो 2 gram क्या हो गया 2/1000 किलोग्राम. कितना बना 0.002 किलोग्राम. ये हो गया हमारा आंसर 0.002 किलोग्राम. क्लियर. लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट करना है. कितना मिलीलीटर होगा. अब देखिए 1 liter इज इक्वल्स टू 1000 milliliter. ठीक है. ये हमें पता है. तो 282 लीटर कितना हो गया. दोनों साइड 282 मल्टीप्लाई कर दिया. 282000 ml. 282000 ml. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन ई 79 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू हाउ मेनी मीटर.
79 सेंटीमीटर कितना मीटर होगा? 79 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है. ओके, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर. ठीक है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर. 79 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 79/100 मीटर. दोनों साइड 79 मल्टीप्लाई कर दिया. ठीक है, यहाँ क्या किया, दोनों साइड 100 से डिवाइड कर दिया. यहाँ पर भी 100 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1/100 और ये 1 सेंटीमीटर. ठीक है, इस तरह से सॉल्व करते हैं इसको. ठीक है, तो आंसर क्या आया, 0.79 मीटर. एफ देखिए, द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ. इज इक्वल्स टू क्या है, स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ क्या है, स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मास क्या है, ये पूछा गया है सारे क्वेश्चंस में. ठीक है, और स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ कैपेसिटी क्या है, तो देखिए स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर, स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर, स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम. स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मास क्या है, किलोग्राम. स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ कैपेसिटी क्या है, लीटर, LITRE. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व. एक्सरसाइज 1C सॉल्व होती है हमारी पूरी. इसके आगे देखेंगे अब हम. एक्सरसाइज 1C सॉल्व हो गई है पूरी. इसके आगे नेक्स्ट पार्ट है हमारा एस्टिमेशन. देखिए आपको नोटबुक में सिर्फ एक्सरसाइजेस सॉल्व करनी है. जो एक्सरसाइज मैं यहाँ करवाती हूँ उसे मेरे साथ साथ सॉल्व करते जाएं नोटबुक में. एक बार वीडियो देख लें फिर उसके बाद पॉज कर करके एक्सरसाइज सॉल्व करें और मुझे सबमिट करें. बहुत सारे बच्चे हैं जो सबमिट कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे नहीं हैं जो वर्क सबमिट नहीं कर रहे हैं. आई वॉन्ट वर्क ऑफ ऑल ऑफ यू. सिक्स क्लास, पूरी क्लास का वर्क मुझे चाहिए. आपको जल्दी से जल्दी पूरी एक्सरसाइजेस कवर करनी होंगी. 3 एक्सरसाइजेस कंप्लीट कर चुके हैं अभी तक हम, A, B और C. तीनों का वर्क मुझे कंप्लीट चाहिए नोटबुक में. अब हम देखेंगे एस्टिमेशन. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एस्टिमेशन. एस्टिमेशन का मतलब क्या होता है, किसी चीज को लमसम मान के चलना कि हाँ इतना है, इतना मान लो. हम ऐसे बोलते हैं ना, जैसे 89 है तो हम क्या बोलते हैं, हाँ 90 के करीब है, 90 के आसपास. ठीक है, जैसे 75 है इसको हम क्या मानते हैं, 80 के आसपास. अगर टेंस की टर्म में बात की जाए तो टेंस मतलब अगर हम इसको टेंस में नियरेस्ट मानेंगे तो हम क्या बनाएंगे इसका, टेंस कौन सी डिजिट होती है, ये वंस, ये टेंस. ठीक है, तो सिर्फ इसकी बात करेंगे हम. आगे का पार्ट ऐसे कैसे लिख देंगे, 59 क्या बनता है, ये 60. तो ये टेंस का नियरेस्ट कौन सा, इसका 4260. नियरेस्ट वैल्यू फाइंड कर लिए इसे हमने. एक और एग्जांपल देखिए. अब देखिए 4299. अब इसका नियरेस्ट क्या बनेगा, 99 का नियरेस्ट क्या होगा, 100 होगा. 100 होगा तो यहां पर 2 से ये 3 बन जाएगा, 4300 हो जाएगा. ठीक है, नियरेस्ट 10 में. ठीक है, ये बात हो गई हमारी नियरेस्ट 10 में.
ठीक है। इसके बाद हमारे पास नियरेस्ट हंड्रेड्स भी होता है, नियरेस्ट थाउजेंड भी होता है, ठीक है। ओके, तो नियरेस्ट टेन हमने देख लिया। नियरेस्ट टेन में हम लास्ट टू डिजिट काउंट करते हैं, ये होता है हमारा यूनिट डिजिट, ये होता है हमारा टेंथ डिजिट, फिर ये हंड्रेड और ये थाउजेंड, और इसके आगे जाएंगे तो हम टेन थाउजेंड, ठीक है। ये वाला टेन थाउजेंड बन जाता है दोनों पार्ट मिलकर, ठीक है। तो एस्टिमेशन में हमने नियरेस्ट टेन देखा, इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। एस्टिमेट द सम ऑफ 54 प्लस 79। इसमें हमें एस्टिमेशन लेकर देखना है। तो देखिए पहले 54 इज एस्टिमेटेड एज 54 को क्या एस्टिमेट कर लिया हमने नियरेस्ट 10 में 50, ठीक है। 79 इज एस्टिमेटेड एज, यहां पर आप पूरा लिखेंगे, मैंने डॉट्स लगाए हैं ये, ठीक है। 79 का एस्टिमेटेड क्या बनेगा 80। आप देखिए 50 प्लस 80 क्या बन रहा है 130। तो इसका एस्टिमेटेड समेशन क्या होगा 130, ठीक है। अब एक और देख लीजिए एग्जाम्पल 274 प्लस 243। अब देखिए 274 इज एस्टिमेटेड एज 10 देख रहे हैं हम इसमें, अभी तक जो एग्जाम्पल चल रहे हैं उसमें हम नियरेस्ट 10 देख रहे हैं। 274 इज एस्टिमेटेड एज 270, ठीक है। 74 वाले की बात चल रही है, क्या बनेगा 70, 4 और 4 से 1 2 3 4, ये किधर जाएंगे इस साइड 5 6 7 8 और 9, ये किस साइड जाएंगे आगे वाली साइड। जैसे मान लीजिए हम 70, ये 74 की बात करें तो ये कहां जाएगा 70, 78 की बात करें तो कहां जाएगा 80 पे, ठीक है। इस तरह से हम नियरेस्ट टेंस फॉर्म करते हैं। 274 क्या बनेगा 270, 243 क्या बनेगा 240, ठीक है। अब 270 प्लस 240 करेंगे हम तो क्या बन जाएगा हमारा 610, ठीक है। सॉरी 510, ठीक है। ये हमारा हो गया नियरेस्ट 10। नियरेस्ट 10 की बात हो गई, नियरेस्ट 10 कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे नियरेस्ट 100 कैसे फाइंड आउट करते हैं और नियरेस्ट 1000 कैसे फाइंड आउट करते हैं। सो थैंक यू क्लास, दैट्स ऑल फॉर टुडे।